सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर सैटरडे एक खौफनाक थ्रिलर टेल्स। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, क्या आपने स्त्री की कहानी सुनी है? उससे भी डरावना किस्सा है रूही का। अगर आप दिल से कमजोर है तो मत देखना, और रात में अंधेरा करके और हेडफोन्स लगा के तो बिल्कुल मत देखना। खैर, आपकी मर्जी है, बताना मेरा काम है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। यहाँ गांव में बहुत लोग रहते हैं, पर एक अरसे से यहाँ शादियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ जब भी कोई शादी होती है, ये खुशी की बात अक्सर दुख की रात बन जाती है। पिछली बार जब यहाँ शादी हुई थी, ये शादी थी हरी और वाणी की। शादी में सब लोग अपनी तैयारियों में इतना व्यस्त थे कि किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ एक अनचाहा मेहमान भी आया है, या यूं कहे आई है। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे होते होते बहुत देर हो गई। हो ही जाती है, रात के 2-2.5 बजे जाते हैं। दुल्हन अपने कमरे में इंतजार कर रही थी, और उधर दूल्हा और उसके दोस्त। ए भालू, मैं जाता हूँ अब। अबे रुक जा, ऐसे भी क्या बेताबी है? आज शादी है तेरी, आज के दिन तो ना जाने देंगे तेरे को। चलो ए, बहुत हो गया तुम लोग का, जा रहा हूँ मैं। हरिया एक मिनट, बस एक बात सुन लिया, एक दिन और मार ले बस हमारे साथ, फिर पक्का चला जाइयो, दोस्त नहीं है क्या? अच्छा चल, इतने प्यार से बोल रहा है तो बस एक ग्लास। साले थोड़ी जगह बचा लियो, दूध भी पीना है तेरे को। हरी बेताबी से अपनी दुल्हन के पास जा रहा था। वो आराम से अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने बड़े प्यार से उसका घूंघट उठाया, पर नहीं। क्या हुआ? तू दूर हटो, तुम चुड़ा लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पर अब हरी के सामने उसकी बीवी का चेहरा था, जो कि दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। लगता है दोस्तों ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है, न जाने क्यों पर सर में बहुत दर्द सा हो रहा है। अच्छा आप बैठ जाइए, ये दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। हरी सर पकड़ के बैठ गया, उसने दूध पिया और सो गया। वाणी भी लाइट बंद करके सो गई, पर जैसे ही हरी की आंख लगी, अचानक उसके चेहरे पे कुछ चमका और उसकी आंख खुल गई। हरी महसूस कर रहा था कि उसका शरीर सुन्न पड़ गया था, वो ये नहीं पा रहा था। उसके सामने वाली खिड़की से एक परछाई दिखाई दी, जो अब उसकी तरफ आ रही थी। हरी आंखें फाड़ के उसकी तरफ देख रहा था। कोई था वहां जिसने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। कोई है? उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 चमकती आंखें जो अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। हरी अपने बस में नहीं था, वो आंखें जैसे जैसे उसके पास आ रही थी, उसे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा उसका चेहरा, जो कि पूरी तरह से फटा हुआ था। उसकी आंखें सिर्फ सफेद थी, और तभी हरी वो दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और वो बेहोश हो गया। कौन है? प्रिया जीजा जी, अब उठ भी जाइए, बहुत सुबह हो गई है।
अरे जीजा जी, बस बिखरिए, सुबह के 10 बज गए हैं, माना कि आपकी पहली रात है, पर घर पे और भी लोग। और जीजी जीजी, अरे वो आप रहने ही दीजिए, मैं उठाती हूँ। नहीं जीजी, वाणी के चेहरे को किसी ने पूरी तरह से नोच लिया, वो मर चुकी थी। वाणी, सब लोग वहां इकट्ठा हो गए और लोग बातें बनाने लगे। अरे हमने तो पहले ही कही थी कि इस गांव में शादी ना होनी चाहिए, ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है, पर हमारी सुनता ही कौन है, अब पछताने से क्या होगा। यूं तो विदाई पर रोना आम बात है, पर इस गांव में ये आखिरी शादी थी। उस दिन के बाद यहाँ कभी कोई शादी ब्याह नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई, और हर हफ्ते ऐसी मजेदार स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाया करेगी। और आपको पता है, एक बार ऐसी एक चुड़ैल का डर दिल्ली में फैल गया था। अच्छा वो सब छोड़, तुझे एक सॉलिड बात बताता हूँ। आज चाय की दुकान पे मैं बैठा था तो वहाँ कुछ हल्दी वाले अजीब हाथ बने थे। मैंने पूछा तो चाय वाले ने बताया, तुमका नहीं मालूम का भैया जी, हमारी का हर दुकान, दफ्तर, घर सब पे पीले हाथ मिल जाएंगे आपको भैया जी। अच्छा, और वो क्यों? का है कि भैया जी, हमारे इलाके में काही दिना से एक अजीब घटना हुई ला। कौनो बुढ़िया है, रात को जाके लोगन के दरवाजा खटखटात है, और अगर कौनो भला मानस मिल जाए तो बा से प्याज मांगत है। बुढ़िया है जो प्याज मांगती है? इंसान ना है साहब, डायन है। बस इसी डर से ये हाथ अपने दुकान पे बनवा ले हैं सबने, बुरी नजर दूर रहवे है। क्या बेकार की बातों में भरोसा करते हो भैया? अरे भैया जी, हमरी मानो तो आप भी कर ले हो, ई चुड़ैल से कोई बच नहीं पाया है आज तक। प्याज वाली डायन का, लोग अपने घर से निकलने से डरते थे, कहते थे वो प्याज और रोटी मांगा करती थी और लोगों को मार देती थी। आपको कहानी देखने के लिए ऊपर के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए कीप वॉचिंग थ्रिलर टेल्स।